में जितने भी भक्तों ने हाजिरी दी है वो तो प्रभु श्री रामचंद्र भगवान की कृपा से हमेशा खुश रहेंगे और हनुमान जी महाराज का आशीर्वाद पाते रहेंगे। ये हमारा सौभाग्य है कि आज सभी भक्तगणों के दर्शन हुए। आयोजक समिति समस्त ग्राम कोटला खड़ी के भक्तगण आप सबके चरणों में सादर प्रणाम करते हुए हनुमान जी महाराज के चरणों में प्रणाम करते हुए ये आपकी सेवा में ये आप सबका जाना पहचाना श्री नागराज भजन मंडल बालाजी बंदर इटारसी आप सभी भक्तगणों की सेवा में सादर समर्पित है। देखिए सबसे पहले भगवान गजानन महाराज की वंदना, मानव जीवन के लिए संदेश, हनुमान जी महाराज के चरणों में एक प्रस्तुति और मन पसंद और आपकी पसंद, तो क्या कहना है। गजानन महाराज से प्रार्थना है कि हर शुभ कार्य में सबसे पहले आपको प्रथम पूछते हैं। आज सभी भक्तगणों और मंडल की लाज रख लेना, जय गणेश करिवर बदन और बुद्धि प्रकाश, हे गोरी सुत लाडिले हमे तुम्हारिया। श्री नागराज भजन मंडल का लाज भारी तुम पे रखता हूँ। ये वीणा वरदायिनी कर रहे आगा, पंच तत्व में आत्मा
आत्मा में आवा। तो भगवान गजानन महाराज से क्या प्रार्थना है, क्या कहना है? हे भगवान गजानन महाराज, आज आपके दरबार में ये भक्तगण आपसे क्या फरियाद करते, क्या कहते हैं? बिल्कुल सदाबहार नगमा और साफ सुथरा कार्यक्रम हो मेरे गज बदने, हो मेरे गज बदने, उधर आए मेरे स्वर को सजा दीजिए, भगवान गजानन महाराज। पहले तुमको और पहले तुमको हम तो मनाए, पर सभी हम आ गए, हम तो मना रहे हैं, हमारी लालच है, हमारी श्रद्धा है, क्योंकि देवों में भी सबसे पहले आपको पूजा गया है और देवों में सबसे और देवों में पहले तुमको मनाए, पर सभी हम सारे मिटा गए, गुन गुन
गुनगुनाने गुनगुनाने की वजह तुम हो, दर पे आने की वजह तुम हो, देखिए इस कलियुग रूपी संसार में जब तक भगवान के भजन ना हो ये जीवन बेकार है। मैं आज कोटला खेड़ी गांव को धन्य मानता हूं जहां पर हजारों की तादाद में भक्त हैं। ऐसी सेवा शायद मध्य प्रदेश में कहीं गिनी चुनी जगह पर होता होगा। एक बार जोरदार ताली बजाए, बोलिए कोटला खेड़ी धाम की जय हो। तो मानव से कहना है कि खुद मिट जाओगे, ओहो कि खुद मिट जाओगे औरों को मिटाने वाले, कि खुद मिट जाओगे औरों को मिटाने वाले, लाश रोती नहीं रोते हैं जलाने वाले। इसीलिए कहना है कि पैसों से दुल्हन नहीं दुल्हन के चलन बिक जाते हैं, कि पैसों से दुल्हन नहीं दुल्हन के चलन बिक जाते हैं, और पैसों से मुर्दे भी नहीं बिकते मुर्दों के कफन बिक जाते हैं। इसीलिए कि कौन कौन कहता है भगवान बदल गया है। ये हर कोई गांव, हर कोई शहर, हर कोई विदेश, हर कोई देश में होता होगा, लेकिन हमारे कोटला खेड़ी गांव में ऐसे भक्त हैं कि जिन्होंने ये साबित करके दिखा दिया कि इस देश में और भगवान के साथ में इंसान भी होते हैं। कि कौन कहता है भगवान बदल गया है, भगवान नहीं आज का इंसान बदल गया है, और कायम है अभी तक धरती और आसमां, घर वही है लेकिन घर का मेहमान बदल गया है। और एक बात और, हया और शर्म की लाशें दर दर भटक रही है, कि हया और शर्म की लाशें दर दर भटक रही है, दफनाया कहां जाए क्योंकि शमशान बदल गया है। हर गांव में शमशान है लेकिन एक भी मुर्दा नहीं जलता वहां पर, शायद हजारों करोड़ों से शमशान है। इसलिए और इंसान के पास चाहे जितनी भी धन दौलत हो वो जिंदगी में कभी खुश नहीं रहता। इसलिए कहना है कि 100 सुख पाकर भी जो सुखी ना हो, हजार करोड़ खुशियां मिल जाए लेकिन एक छोटा सा कम इंसान की जिंदगी खराब कर देता है। कि 100 सुख पाकर भी जो सुखी ना हो पर एक गम का दुख मनाता है आदमी, विचार की बात है। कि 100 सुख पाकर भी जो सुखी ना हो पर एक गम का दुख मनाता है, और ये भगवान की कैसी करामात है, लाश तो गिर जाती है लेकिन चिंता आदमी डूब जाता है। मेरे नाम इसीलिए मानव से कहना है, हो सांसें निकलते जीवन के ढलते, बिल्कुल एक एक शब्द पे ध्यान देना,
भूसा से निकलते ही जीवन के ढलते ही और कैसा हुआ बेअसर निकलते ही जीवन के ढलते ही समय आएगा चार कंधों पर तू चलेगा कंधों पे उसके कंधों पे उसके जब तू दुख की बात है कि आज ये पांचवा वर्ष है कोटला खेड़ी धाम में हनुमान जी महाराज के दरबार में अखंड रामायण का पाठ यही साथ जाएगा अंतिम समय में मरघट में तेरी बरात सजेगी जलती चिता में खाक रहेगा और कहना है सांसें निकलते ही जीवन के ढलते ही सांसें निकलते ही जीवन के ढलते ही सांसें निकलते ही जीवन के ढलते ही कैसा हुआ बेसर माया के धंधे में जीवन के फंदे में Oh!
और क्या कहना है। तेरी सांसों की ओहो तोरी अब ना घटे, मर घटे में तेरे साथ अब कोई ना बचे। ओहो आज हनुमान जी महाराज